अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया है। तालिबानियों के कब्जे का भारत पर भी असर देखने लगा है। दरअसल ड्राई फ्रूट की खेप ज्यादातर अफगानिस्तान से भारत निर्यात होती थी, लेकिन अब आयात निर्यात ठप हो चुकी है, जिसकी वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम आसमान छू रहे हैं। पानीपत में भी लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के दाम काफी बढ़ चुके हैं। राखी का त्योहार आने को है और हर कोई त्योहारों की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन लोगों को राखी के त्योहार के लिए ड्राई फ्रूट्स खरीदने से पहले सोचना पड़ रहा है। आम आदमी पर सर क्या बताएं, कल परसों यह मार्केट गए, हमने सोचा चलो बादाम ले लेते हैं, राखी का त्यौहार आ रहा है, चलो ड्राई फ्रूट लेना ठीक रहता है त्यौहार में गिफ्ट देने के लिए। लेकिन कहाँ जो 800-900 रुपये का रेट होता था, वहाँ अब 1100-1200 रुपये रेट हो चुका है। अब ड्राई फ्रूट तो आम पब्लिक के हाथ से चला ही गया है, बच्चों को क्या दे और क्या ना दे। काजू बादाम तो अब हमारे पहुँच से दूर ही होता जा रहा है, आम पब्लिक नहीं ले सकती है। कितना बता रहे दुकानदार? दुकानदार 1100 रुपये किलो बादाम, हाँ बादाम हो गया, और पहले कहाँ 800-900 रुपए किलो हम आम होलसेल रेट पे ले लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। और दाम की बात करें तो बादाम 950 से बढ़कर 1100 तक पहुंच गया है, वहीं काजू 800 से लेकर 900 तक पहुंच गया है। किशमिश का रेट 200 रुपए था, अब 280 हो गया है। बादाम गिरी 580 से 1080 पार चली गई है। काजू 670 से 750 के बीच में आ गए हैं। कॉस्टली 30-40% रेट बढ़े। ये कितने दिन के बात अभी? ये 8-10 दिन के अंदर ही बढ़े हैं। वजह क्या बताएं आप? वजह क्या, अफगानिस्तान की वजह से है, पता नहीं माल नहीं आने की वजह से है, सारी चीज़ों के रेट बढ़े। कस्टमर है अभी? नहीं, कस्टमर ख़त्म हो गया। कस्टमर नहीं, एकदम ख़त्म हो गया, कोई पूछने भी नहीं आता। यहाँ 4-5 किलो 10 किलो बादाम गिरी बिकती थी, 1 किलो भी नहीं बिकती। आम जो है 300 रुपये किलो बढ़ गए हैं, और काजू जो है 100 रुपये किलो बढ़े हैं, और अपना और किशमिश वगैरह 50 रुपये किलो बढ़ी है। इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों में बढ़ोतरी है। क्या कारण क्या माना आ रही है? कारण के पीछे से माल कम आ रहे हैं, कुछ झगड़े के कारण भी माल आने बंद हो गए हैं। आप जोश वगैरह बहुत तेज हो गए, 100-150 रुपये किलो, तो फिर तो असर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, हाँ कस्टमर पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा जी। ये अफगानिस्तान का भी कुछ? ये अफगानिस्तान के आते सारा मुनक्का किशमिश, ये अपना ड्राई फ्रूट और भी आइटमें बहुत आती हैं। आपको बता दें अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा किया तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत समेत कई देशों पर इसका असर देखने को मिलेगा, और अब ये बात सच होती नजर आ रही है। अफगानिस्तान में पैदा हुए हालातों से भारत पर भी प्रभाव पड़ने लगा है, आम लोगों की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लिहाजा वक्त ही बताएगा कि कब अफगानिस्तान में हालात ठीक होते हैं। प्रदीप रेडू, पानीपत, खबरें अभी तक।